श्री चक्रपाणि महाराज की जय। फलटन वैद्य अरावती लीला दर्शन वीडियो नंबर 11। इसमें हम लीला नंबर 2, 3, 4 ऐसे तीन लीला करेंगे। इसमें है पहले दो नंबर लीला है श्री चांगदेव नामकरण, भगवान का नाम चांगदेव रखना, 5 लाइनों की लीला है। सर्वज्ञ महितले श्री चक्रधर महाराज ने कहा, भाई एकु दिन जनकाइसा सी आठवले। एक दिन जनकाइसा को याद आया, जे चांगदेवा सी नवस बोलीला, तरी आपल्या पुत्रा मास तीन झाले, ऐसा निमित्त पूर्णा नदी थड़ी चांगदेवा सी गेवनी गेले। देवते सी स्नान आदि करुनी वस्त्र आभरणे वाहिले, सहस्त्रा सोन टक्याची पूजा केली, अन पुत्रा तै लागुनी चांगदेव राउल येने नामे आलवो लागले, अन शक्ति स्वीकारा उपरी हेची नाम स्मरण विहिले। अब देखते हैं हिंदी में इसको क्या मतलब है। श्री चक्रधर महाराज ने कहा, भाई एक दिन जनकाइसा माता को याद आया कि मैंने चांगदेव को बोला बोली की थी, मन्नत की थी कि मैं अपने बेटे को दर्शनों के लिए लेकर आऊंगी, तो मेरे बेटे ने दूध पीना शुरू कर दिया, तो मेरा बेटा 3 महीने का हो गया है। ऐसे निमित्त से पूर्णा नदी के किनारे पर चांगदेव को लेकर गए, बच्चे को लेकर गए, देवता को स्नान उबट करवाया, देवता की जो मूर्ति थी उसको स्नान वगैरह करवाया, वस्त्र अभरने वाहिले, कपड़ा गहने हार फूल जो भी होता, हार डाल नकली हार समझो या असली हार, आभूषण और बहुत सामान, कोई दीवा कोई बत्ती कोई घी कोई तेल कोई चंदन कोई टीका कोई अगरबत्ती कोई धूप, ऐसा बहुत कुछ लेकर गए। लोग आते हैं कि हमने वो चुन्नी चढ़ानी है लाल बोलते हैं ना, ऐसा बहुत कुछ होता है। हर देवता का अपना अपना कपड़े होते हैं, दही दूध होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का हर एक का अपना अपना होता है। वहाँ पर जो चांगदेव नाम की मूर्ति थी उसके बारे में जो उसको कथा देवता का, वो सब बहुत कुछ दिया, वस्त्र भी दिए। हम कहते हैं भगवान को हम वस्त्र देंगे, अभी भी हम लोग आते हैं महात्मा जी ड्रेस चढ़ानी है पूजा को, चढ़ाते ना ड्रेस। हमारा बेटा कनाडा चले जाए, हमारे पास तो पंजाब में कनाडा वाले ही आते हैं ज़्यादातर, कि कनाडा भेज दो महात्मा जी, हमारे बेटा को भगवान को प्रार्थना करो, हम सोने का तिलक चढ़ाएंगे, हम पूजा अवसर करेंगे, पंचावतार करेंगे। तो जाते भी हैं, 5-7 बच्चे चले भी गए हैं कनाडा यहाँ से दत्ता बाबा की कृपा से। तो सब ने बोला हुआ है कि हम मत्था टेकने आएंगे या अवसर करेंगे, ये आज भी दुनिया करती है। तो अपना फिर वो ड्रेस देते हैं भगवान को, फिर वो हार फूल उपहार बीड़े ये सब चीज़ें करते हैं। ऐसा ही जनकाइसा ने माता ने किया, 1000 सोन टक्याची पूजा के लिए, 1000 सोने के मुद्राओं से टकों से पूजा की अर्पण किए, अन पुत्रा तै लागोनी, और बेटे को उस समय से चांगदेव राउल ये ने नामे आल बुलागले, चांगदेव राउल इस नाम से बुलाने लगे। क्या बुलाते थे? चांगदेव राउल, उसका नाम रख दिया देवता के ऊपर ही। आन शक्ति स्वीकारा ऊपरी, और ज्ञान शक्ति स्वीकार करने के बाद श्री चांगदेव राउल इस नाम का स्मरण करने के लिए ही महाराज ने बताया, द्वारावती श्री चांगदेव राउल, इस तरह से उनका नाम चांगदेव राउल है। अब अगली लीला में आएगा चक्रपाणी नाम क्यों है। बड़ी कंफ्यूजन है हम लोगों में कि चक्रपाणी महाराज है या चांगदेव राउल महाराज है, तो आज वो हमारी सारी जो डाउट है वो ख़त्म हो जाएगी। लीला नंबर 3 श्री चक्रपाणी नामकरण। सर्वज्ञ महितले स्वामी ने कहा, एकु दीप पूना हुनी कमल नायकू जनकाइसा चे बंधु, कुमरा सहित जनकाइसा ते चाकना घेवनी आले, अंते ही अपला नवस पूर्ण केला,
शता सोन टक्या ची पूजा देवते संपादिले, आन श्री चक्रपाणी राउल ऐसे महनु लागले। एकू मास झाला जनकाइसे तेत ची रहते अस्ति, तब रूप नायके कवना ते आनु पाठ विले। जे आमा चांगदेव राउल देख लिया वे ना गमे, या वरिल वडिले माता पुत्रा सी वस्त्र अलंकारे करुनी बोल विले। स्वामी ने कहा, एक दिन पूना से कमल नायक जनकाइसा के भाई, किसके भाई, यानी चक्रवाणी महाराज के मामा जी, कौन मामा का नाम क्या, कमल नायक। एक दिन पूना से कमल नायक जनकाइसा के भाई, ठीक है, चक्रवाणी महाराज की जो बहन माँ जनकाइसा, कमल नायक की बहन, तो इस रिश्ते से चक्रवाणी महाराज के कमल नायक मामा लगे। कुमरा सहित जनकाइसा ते चाकन घेवनी आले, कुमरा सहित यानी बेटे के सहित जनकाइसा को चाकन लेकर गए। तो भाई लेने जाता ना बहन को, ये प्रथा है, फिर भाई को भेजते हैं, अभी लेकर आ बहन को, पंजाब में भी है, पुराने शहरों में भी है। तो भाई अपनी बहन को लेने ससुराल गया और लेकर आया। अंते ही अपला नवस पूर्ण केला, और उसके जनकाइसा के भाई माँ बाप ने अपनी जो नवस थी चक्रपाणी देवता चाकन की, चाकन चक्रपाणी, देखो एक ही नाम है, वहां पर चक्रपाणी चाकन, ठीक है, चक्रपाणी देवता का जो स्थान है उसको नाम, जगह का नाम चाकन पड़ गया। अपभ्रंशित भ्रंश अपभ्रंश हो गया होगा, अपना नवस पूर्ण किया मन्नतपुरी की, क्या किया, शता सोन टकिया जी पूजा देवते संपादिले, 100 सोने की मोहरे या टके देवता को दिए। आन श्री चक्रपाणी राउल ऐसे महनु लागले, और उसका नाम क्या रखा, चक्रपाणी राउल ऐसा नाम रखा, यानी दादकों में नाम चांगदेव राउल और नानकों में नाम चक्रपाणी रखा, ऐसा ही होता है ना, तो दादा परिवार अपना नाम रखता है और नाना परिवार अपना नाम रखता है। तो चक्रपाणी महाराज जी के दो नाम, दादा परिवार चांगदेव राउल और नाना परिवार चक्रपाणी, इस तरह से ये दो नाम दो देवताओं के नवस की वजह से उनके हैं। ठीक है जी, अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए कि क्या नाम है, क्यों रीजन है, दो दो नाम क्यों है। लेकिन जो मुख्य स्वीकार का नाम है वो दादा परिवार का है, क्योंकि कुल वगैरह जो है वो दादा परिवार से ही चलता है ना, बीज तो दादा परिवार का है, इसलिए दादा परिवार का ही चलता है, ये सृष्टि व्यवस्था है। पर सुखना ते उन्होंने नानकिया ने की थी, दोनों की है। अच्छा, दोनों की है, उन्होंने अपनी की, उन्होंने अपनी की, क्योंकि दो बेटियां देती हैं तो बच्चा किसे रहना हो यार। हाँ, इसलिए दो बेटी दी बच्चा कोई ना हो, इसलिए उनको फिक्र पड़ गई, नानकिया ने भी तो फिक्र होता, हाँ, सुखना सुखी है। तो ऐसा है, ठीक है जी, आगे देखते हैं। चक्रपाणी ऐसा राउल ऐसा उन्हें कहने लगे। एक महीना बीत गया, जनकाइसे तेतसी रहते अस्ती, जनकाइसा वहीं रहती थी, तब रूप नायक के कवना ते अनुपाठ, फिर वो जो जनक नायक के पिता रूप नायक यानी चक्रपाणी महाराज के दादा थे, उन्होंने लेने के लिए किसी को भेजा और क्या कहा, जे आमा चांगदेव राउल देख लिया बिन ना गमे, जो हमारे पोते को देखे बिना हमारा नहीं मन नहीं भरता, सुना सुना सा लगता है। आज भी घर में भी बच्चा हुआ चले जाए तो उसका बड़े लोगों को ज़्यादा खासकर होता है, बुजुर्ग लोगों को भी, हमारे घर की संतान है, कुल दीपक है, तो उसको लेने के लिए भेजते, भैया हमारा दिल नहीं लगता, उसको वापस लेकर आओ। या वरी वड़ीले माता, इस पर जनकाइसा के पिता और माता पुत्रासी यानी या वड़ीले यानी पिता ने माता पुत्रासी, इस पर उन जनकाइसा के पिता ने अपनी बेटी और पुत्र उसके पुत्र को यानी अपने पोते को वस्त्र अलंकारे करुणी बोल विले, वस्त्र और कपड़े गहने वगैरह देखकर भेजा, यानी उसको विदा किया कि हमारे पास नानके में पहली बार आया तो कपड़ा गहने कोई सोना चांदी देखकर ही भेजते ना, खाली हाथ नहीं भेजते, तो उन्होंने भी वस्त्र अलंकार देखकर
अपनी बेटी को विदा किया, पोते को, दोते को, बेटी के बेटे को, माँ बाप माँ बेटे को विदा किया, ऐसा चक्रमानी नाम रखा गया है। ठीक है जी। अब रंबाईसा ग्रही क्रीड़ा तीसरी लीला है। शरद ने मणितले भाई एकू दी जनक नायक आपले आवारी अस्ता श्री चक्रपाणी रावला ते खेलवू लागले तो चक्रपाणी एकू वर्षाचे झाले अस्ती। एक दिन जनक नायक अपने आवार में थे, श्री चक्रपाणी राहुल महाराज को खिला रहे थे, खेल खेल रहे थे बाप बेटा, तब चक्रपाणी एकू वर्षाचे झाले अस्ती, तो चक्रपाणी महाराज एक वर्ष के हो गए थे। मगर रंबाईसा मौसी रंबाईसा मौसी तीये ने जनक नायका ते मणितले, उसने जनक नायक से कहा, मांगा तुम्ही माते ऐसे मनितले होते, हा कुमरू तुझाची असे, तर आता नया मना माँ माजिए ग्रहजी ग्रही गेवनी जाएं। कहती है आपने कहा था कि ये बेटा तेरा है, तो अब मुझे ले जाने के लिए कहो या मैं से ले जाऊं और मैं इसको अपने घर में ले जाऊंगी। यानी जनकाईसा का घर अलग और रंबाईसा का घर अलग था। जो जन्म स्थान है वो जनकाईसा का घर था, जो बाबा साहेब मंदिर है इधर बड़ा वाला ये वाला जनकाईसा का वाड़ा, ये वाला जो सुंदर है आज के पत्थर का, वो रंबाईसा का वाड़ा था। यानी दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों बहनों के घर अलग थे, पति एक ही था। ठीक है, वो कहता जनक नायक के मणितले नया, जनक नायक ने कहा ठीक है तू अपने घर ले जा। रंबाईसा हारकली आन श्री चक्रपाणी सी कड़े गेहूनी आपले आवारा आनी ले, कौड़ कौतुक करती। रंबाईसा हरकली यानी खुश हो गई और श्री चक्रपाणी महाराज को कड़े गेहूनी यानी गोदी में ऐसे लेकर अपने घर में आवार में ले आई। कौड़ कौतुक करी थी, उसका खेलती हंसती सब कुछ करती। अन्न बाइया सांगाते श्री चक्रपाणी रावला ते कड़े गेवनी रंगनाथा चा मठा जाती, और दूसरी औरतों के साथ श्री चक्रपाणी रावल जी को रंगनाथ के मठ में जाती थी। रंगनाथ मंदिर इस मंदिर के जन आवार के पीछे एक मंदिर है जहाँ शिला पड़ी हुई है और वो तालाब भी है, तालाब मतलब वो पायरियों वाला है, रंगनाथ का मंदिर वहाँ पर था। वहाँ रंगनाथ मतलब कृष्ण भगवान जी का ही नाम, उनका नाम रंगनाथ, कृष्ण भगवान जी का ही मंदिर था, वहाँ लेकर जाती थी। तया माजीव कांडीव कोरी शिला, उसमें एक कोरी हुई शिला थी, तया वरते श्री चक्रपाणी खेलती, उसके ऊपर श्री चक्रपाणी महाराज जी खेलते थे। रांगती ऐसे ऐसे चलते थे, बच्चे जैसे चलते हाथ करके रेंगते थे। मौसी रामबाई से श्री चक्रपाणी कारने रंगनाथा पूजा बांधती भोने करी थी। रंबाईसा मौसी ने श्री चक्रपाणी महाराज के कारण रंगनाथ को पूजा करती थी, बोने यानी उपहार करती थी, भी चक्रपाणी महाराज ठीक रहें, उनकी सेहत हो, बच्चा बड़ा हो, खाए पिए हंसे, तो उस रंगनाथ कृष्ण भगवान जी के मंदिर को उपहार करती थी और पूजा करती थी। फिर घर के साथ में ही मंदिर था। मग बार से केले, फिर वो बार से त्यौहार जो उनका किया, नगर भोजन दिदले, नगर को पूरे गाँव को भोजन दिया। रंबाईसा ग्रही श्री चक्रपाणी राउल वाड़ते झाले, रंबाईसा के घर में श्री चक्रपाणी महाराज वाड़ते जाले यानी वहीं पर रहे और वहीं पर पले और बड़े हुए। ये श्री चक्रपाणी महाराज जी का जन्म अवतार और नामकरण और रंबाईसा के घर रहने की लीलाएं यहाँ संपूर्ण होती हैं। तो मासी घर में बड़े हुए, मासी ले गई थी। देखिए श्री कृष्ण महाराज पैदा हुए कहाँ, ठीक है जी, ले गया कोई, श्री चक्रपाणी महाराज पैदा हुए कहीं, ले गया कोई, श्री गोविंदपुर महाराज जी पैदा हुए कहीं, पाला मासी मौसी मामा ने, श्री चक्र स्वामी महाराज तो डायरेक्ट 26 साल के लड़के गए, बॉडी में ही गए, हरिपाल की बॉडी में ही गए, श्री दत्तात्रेय महाराज अनुसुईया माता के साथ ही थे। तो ये चारों अवतार जो हैं ये पैदा किसी ने किया, पाला किसी ने, ये देखिए एक कितने अलग वैशिष्ट्य वाली बात है परमेश्वर अवतार की। सिर्फ दत्तात्रेय महाराज ये तो अत्रि अनुसुईया माता के साथ थे, बाकी जितने भी अवतार हैं उनका एक विलक्षण ही काम है, सृष्टि व्यवस्था से अलग, जनरल रूटीन से अलग। आज भी ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि माँ
माँ के मरने के बाद बाप संभालते नहीं हैं तो मामा मौसी ही पालते हैं ज़्यादातर बच्चों को। चाचा चाची तो मैंने कभी सुना नहीं, ताया ताई भी नहीं सुना। ज़्यादातर ताया ताई या चाचा चाची बुआ फूफा ने कभी पाला हो ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। हाँ मामा मौसी का सुना हुआ है, हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, यही सृष्टि की व्यवस्था है। मामा दो दो माँ, माँ सी माँ जैसी, ऐसे शब्दों बने हुए हैं। अब ये बने हुए हैं तो कुछ तो कारण होगा। हाँ माँ नहीं तो मौसी, ऐसी सृष्टि की व्यवस्थाएं चल रही हैं, चल रही थी। यहाँ तक कि ईश्वर अवतार भी इस व्यवस्था के साथ ही भले पले बड़े हैं, नकार देते ईश्वर, उन्होंने नकारा नहीं। तो ये बातें सहज सृष्टि व्यवस्था के अंदर होती हैं। दंड प्रणाम श्री चक्रपाणी महाराज की, लीला नंबर 234 वीडियो नंबर 11 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।